ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਬੋਲ ਪੁਗਾਵਾਨੀ ਪੈਰੀ ਚਾਂਚਰ ਪਾਵੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕੈਰ ਮਚਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪਵਾਵੇ ਜਾਨੂ ਹਾਂ आपको तो तीसरी शादी मुझसे हुई है। हाँ? एक बात पूछे। पूछो। आपकी पहली पत्नी कैसे मरी? जहर खा के मर गई। जहर खा के? और दूसरी? गोली मारनी पड़ी थी उसको। क्यों? क्योंकि वो जहर नहीं खा रही थी। आप सिगरेट पीते, दारू पीते, काय को नहीं बोले शादी से पहले? धोखा दिया हमार को। ऐसा ना बोलो बेगम, तुम भी तो मेरा खून पीते, भेजा खाते, पहले बोला क्या हमारे को? यारी, मैं अकेला सोपे भारी। सारे के सारे पहले लाइन से लगो। हाइट वाइज मैं इधर से मारना शुरू करूंगा और सारे के सारे ऐसे जाके गिरेंगे। तू क्या सुन के ले रहे? अबे रुक, एक मिनट रुक जा मिनिस्टर। 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार गड़बड़ हो गई। आज क्या दिन है? मंगलवार। अरे यार मंगलवार के दिन मैं 12 लोंडे मारता हूँ, 5 और लेकर आओ पूरे एक दर्जन हो जाएंगे। सूरत गजल लिख रहा हूँ। एगो कविता लिखल का कविता नहीं लिख पाता, तू यहाँ गजल लिख रहा है रे। तो कविता खाते ने गजल लिख रहे हैं। आप देखा बच्चे तुम्हारा कविता। पापा का मैं बाप बन गया। हराम खोर नालायक बदतमीज, चल निकल जा मेरे घर से भाग जा। गाली क्यों दे रहे हो? आप ही ने तो कहा था पहले लाइफ में कुछ बन जा उसके बाद तेरी शादी करवा दूंगा। तू बाबू राव के लिए अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा? ए देवा, देवा दे देव, मानुष निकला रहे तो देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। क्या मायला जानू? हाय, एगो आपसे हम बात छिपाए हैं। का मेरी सगाई हो चुकी है? और तो बस इतनी सी बात? हाँ। तू चल हमारे घर, हम तुमको अपने बीबी बच्चों से मिलवाते हैं। अरे बेटा बेटा ये सुन 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 सुन, कल वो लड़की कौन थी रे? मेरी गर्लफ्रेंड थी पापा। गर्लफ्रेंड? आए, अब परसों कौन थी वो लड़की? रिश्ता वही। हाँ। बस खाली आइटम नहीं। आए हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी छोटी मौसमियों को भी आम बना देते हैं। हम छोरों से पंगा ना ले छोरी, क्योंकि हम छोटी छोटी दुकानों को भी गोदाम बना देते हैं। अरे भूतो सा चेहरा तेरा बैलों सी मुस्कान है, और रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुत्ता भी परेशान। सिर्फ अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभी को बचपन में सही शिक्षा दिए कि बेटा अभी पढ़ लो, बाद में ऐश के साथ रहना। बेइज्जती और पत्नी एक जैसी होती है, अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। कैदी महोदय, आए तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन हमारा उतारा कब जाएगा? कल दुकान भी तो खोलना है। धंधा वैसे भी मंदा चल रहा है। हाँ। एगो बात कहे गुरुजी। हाँ बताओ। साला पता नहीं क्यों जिनको हम चुनते हैं वही हमको ढूंढते हैं। वो क्या है रे? बीवी। ठीके कहा रे? अंकल मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ अंकल? अरे तो उसके बाप को कॉफी पिलाने ले जा, हैं? और शादी की बात कर। तो फिर चलिए अंकल कॉफी पीते हैं। एक और जोक पेश करें तो ये बताइए, दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? कहाँ? जमीन के नीचे। ये आदमी देखिए आलू के पेड़ पे उगाओगे। जानू एक किस दो ना। साला पनौती हम नहीं देंगे किस, पहले हमरा एगो लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप? लैपटॉप चाहिए? हाँ। अब पुराना वाला कहाँ गया? पुराना वाला हमरा एगो मोबाइल दे रहा है। किसी का हाथ थाम के छोड़ना नहीं, प्रोमिस किसी से करके तोड़ना नहीं, अगर वो दिल तोड़ दे आपका
तो हाथ पैर तोड़े बिना छोड़ना नहीं। एक्शन। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं संगीता। नहीं नहीं सर, सुनीता सुनीता। अरे संगीता सुनीता कहाँ से आ गई रे बेटा? सेनोरिटा सेनोरिटा। एक बार और करते हैं। एक्शन। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी सेनोरिटा सोती रहती है। बोलू एगो बात बताओ, औरतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है रे? औरतों की सबसे बड़ी समस्या बस यही है गुरुजी, कि जब वो बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, और जब वो सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती। ठीक है कहाँ रे।